हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू धनुज वर्ल्ड। आज हम रोटी बनाने वाले हैं, वो भी बिना आटा गूंदे। काफ़ी सारे लोगों को रोटी बनाने में परेशानी होती है, तो आज के हमारे इस रेसिपी का उन्हें बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। ये रोटी बहुत ही सॉफ्ट बनती है और टेस्ट भी बिल्कुल हमारी रेगुलर रोटी जैसी ही होती है। चलिए फिर डेलगोना कॉफ़ी के बाद फेमस होने वाली इस रेसिपी को ट्राई करते हैं। रोटी का बैटर बनाने के लिए हमने यहाँ मिक्सिंग बाउल लिया है। बाउल में हम लेंगे 1 कप गेहूं का आटा, साथ ही उसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून चीनी और 1 टेबलस्पून तेल। मैंने यहाँ सनफ्लावर ऑयल लिया है, आप कोई भी तेल ले सकते हैं। सारी चीज़ों को मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी। पानी हमें रूम टेम्परेचर वाला लेना है, ठंडा या गर्म पानी नहीं लेना है। अब हम आटे को पानी में अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें और 1/2 कप पानी मिलाएंगे। एक साथ सारा पानी नहीं डालना है, नहीं तो आटे में गांठें बन जाती हैं। तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी मिलाना है, और अगर कुछ गांठें या लम्स हो तो उन्हें चम्मच की मदद से तोड़ना है। मैं यहाँ आपको डिटेल में दिखा रही हूँ, जिससे कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। हमारा बैटर अच्छे से स्मूथ हो गया है। आप यहाँ बैटर को मिक्स करने के लिए इलेक्ट्रिक विस्कर भी यूज़ कर सकते हैं। हमें इस तरह की कंसिस्टेंसी वाला बैटर चाहिए। बैटर ना ही बहुत पतला हो और ना ही बहुत गाढ़ा, ये बिल्कुल परफेक्ट है। पैन को हमें लो फ्लेम पर गरम करना है और ऊपर थोड़ा तेल लगाना है। जैसे ही तवा गरम हो जाए, हम 1 बड़ा चम्मच भरकर बैटर तवे पर डालेंगे और हल्के हाथ से फैलाएंगे। हमें फ्लेम को कम ही रखना है। रोटी को 1 मिनट तक पकने देंगे, इसे ढककर पकाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही रोटी थोड़ी पक जाए, वो किनारे छोड़ने लगेगी। आप देख सकते हैं, रोटी ने किनारे छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम स्पैचुला की मदद से रोटी को पलट देंगे और दूसरी साइड से पकने देंगे। हम यहाँ गैस की फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं और 1 मिनट तक रोटी को पकने देंगे। ऐसे ही हमें रोटी को हल्के हाथ से दबाकर दोनों तरफ से पकाना है। इस रोटी को बनाने के लिए थोड़े पेशेंस की ज़रूरत है, नहीं तो रोटी बाहर से तो पक जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी।
अब हम यहाँ रोटी को थोड़ा सा तेल लगाएंगे और अच्छे से सेक लेंगे। हमें रोटी को ब्राउन स्पॉट्स आने तक दोनों तरफ से सेकना है। अब आप देख सकते हैं हमारी रोटी कितनी अच्छे से फूल गई है। रोटी को हम तवे पर से निकालकर प्लेट में रखेंगे और इसी तरह से बैटर से बाकी की रोटियां भी बना लेंगे। हमारी डिलीशियस और सुपर सॉफ्ट रोटी बनके तैयार है। आप इन रोटियों को भी बाकी रोटियों के जैसे सब्जी या दाल के साथ खा सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ये बिल्कुल फ्री है। हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।